हेलो डी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस है, और पॉलिटिकल साइंस का ये जो मैं पढ़ा रहा हूं पेपर टू, और कॉम्पिटिशन वालों के लिए ध्यान रखना है कि कॉल मार्क्स की क्या देन है राजनीति को, वो समझेंगे कि कॉल मार्क्स की क्या क्या महत्वपूर्ण विचार है और क्या महत्वपूर्ण के विचारधारा सिद्धांत है जो राजनीति विज्ञान को मिले हैं वो देखेंगे। और अब इससे पहले हम देखेंगे कि कॉल मार्क्स क्या सोचता है धर्म और राष्ट्रवाद के बारे में। बिल्कुल, वैसे तो आपको पता होगा, ट्वेल्थ में कहीं पढ़ा होगा आपने कि कॉल मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। अफीम मतलब नशा। कॉल मार्क्स ने कहा है धर्म एक नशे की तरह है जिसके द्वारा व्यक्ति हैं वह अपने कार्य से विमुख हो जाता है। व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो उस लक्ष्य पर ध्यान नहीं देता है, वह पतन की ओर जाता है। जैसे नशा करने वाला व्यक्ति है वह अपने कर्तव्य को लेकर सजग नहीं रह पाता, तो वैसे ही अफीम ने धर्म की संज्ञा जो मार्क्स ने अफीम को धर्म की तुलना के रूप में कहा है, और ये ऐसा है जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। ये कौन कहता है? मार्क्स। किस बारे में? धर्म के बारे में। ध्यान रखना है, ध्यान रखना, विकास की बजाय पतन। ले जाता है, समझ में आ रहा है? तो इस बारे में कॉल मार्क्स यही, मतलब कुछ और भी विचार लेकिन हाईलाइट करें कि कॉल मार्क्स ने धर्म के बारे में क्या कहा है। तो धर्म के बारे में कहा है ये अफीम की तरह है जो व्यक्ति को विकास की बजाय पतन की ओर ले जाता है। और इसमें यह भी है कि मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन माना एक तरह से ये, और ध्यान रखिए कि धर्म को मार्क्स ने क्या कहा है कि धर्म के द्वारा शोषण होता है किसका? जनता का। तो शोषण का भी एक ये कार्य एक तत्व है। उसका विचार है कि वर्तमान समय में बहुत ही शोषणीय दशा है कि बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है इस शोषण का। इतिहास में एक नहीं वरन बहुत सारे उदाहरण जैसे लुई और जार पैदा हुए, उन समय भी जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण अनेक अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई। मार्क्स धर्म के भागीवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतीपूर्ण मानता है, जिसने इतिहास और सभ्यता के नैसर्गिक विकास को रोका है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा मानना है कि आपको ये सीधे दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाएगी जब आपको पूछा जाए कि अफीम की तुलना किससे की है मार्क्स ने? धर्म से की है, रिलीजन से की है, जो व्यक्ति के विकास को रोकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह अब हम देखते हैं कि कॉल मार्क्स राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहता है। राष्ट्रवाद पहले पता होना चाहिए क्या। एक देश में जो लोग रह रहे हैं तो उन लोगों में देश के प्रति जो भाव होता है, देश के लिए जो करने की जो जद्दोजहद होती है, जो उमंग होती है देश के लिए, जो फीलिंग्स उनके दिमाग में होती है, और कब जब भी उनको बुलाए तो जब वो दौड़े चले आते हैं, तो वही भाव राष्ट्रवाद कहलाता है। जब देश की बात आती है तो सभी लोग अपने अपने मुद्दे छोड़कर राष्ट्र के लिए एकजुट हो जाते हैं, वही राष्ट्रवाद है। बिल्कुल, अब हम बात करें कि कॉल मार्क्स ने राष्ट्रवाद को अपने इस व्यक्ति के शोषण के संदर्भ को रखते हुए क्या विचार दिए हैं, क्या ये राष्ट्रवाद उनके लिए हितकर है या नुकसान देता है। तो ध्यान रखना कि मार्क्स ने राष्ट्रवाद को अस्वीकार करता है। राष्ट्रवाद को अस्वीकार क्या करता है? अस्वीकार करता है। ये कहता है कि व्यक्ति के लिए ये कतई हितकर नहीं है, राष्ट्रवाद से व्यक्ति को कोई फायदा नहीं, ये अस्वीकार करता है। और उसने कहा था मजदूरों के बारे में, से आपको पता होगा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। देखो, राष्ट्रवादी भावना तभी उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति किसी देश में रहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ भाव होता है। लेकिन यहाँ पे मजदूरों के बारे में मार्क्स कह रहा है कि मजदूरों के लिए कोई देश नहीं होता, तो उसने देश नहीं कहा है तो उनके मजदूरों के मन में राष्ट्रवादी भावना को मानता ही नहीं है। तो इस तरह से उसने कहा था श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है। तो इस तरह से उसने एक और लाइन कही थी, वो लाइन क्या थी?
वो लाइन थी, आप ध्यान रखेंगे, विश्व के श्रमिकों या विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, याद होगा आपको बिल्कुल, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, समझ में आया। तो इस तरह से वह राष्ट्र के लिए, ध्यान रखना, वह राष्ट्र को महत्व नहीं दे रहा है, सिर्फ श्रमिकों के महत्व की बात कर रहा है, और श्रमिकों के लिए कोई राष्ट्र नहीं होता, क्योंकि श्रमिक इस देश में भी है, उसमें भी होते, सब में होते हैं। तो उसने कहा राष्ट्रवाद से ज़्यादा है कि सभी श्रमिक एक होकर अपना ताकत बहुमूल्य दिखाएं। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद को उसने अस्वीकार किया है। उसका विश्वास है कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त होगा, जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त होगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत होगा, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का अंत होगा। और वर्ग संघर्ष, शत्रुता के कम हो जाने पर, दुश्मनी कम हो जाने पर, राष्ट्रों के आपस में शत्रुता के बारे में जो संबंध है या उनके जो कारण हैं वह भी समाप्त हो जाएंगे, और युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे जब शत्रुता समाप्त हो जाएगी और स्थायी शांति की स्थापना हो सकती है। तो यहाँ पे राष्ट्र को महत्व नहीं दिया गया है, यहाँ पे उसने श्रमिकों के बारे में कहा गया। तो ये चीज़ आपके क्लियर है दिमाग में, कॉल मार्क्स धर्म के बारे में क्या कहता है, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहता है। अब हम आज कॉल मार्क्स का ये जो चैप्टर है इसको क्लोज करते हैं, ठीक है ना, और उसमें हम देखेंगे कि कॉल मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, या फिर कॉल मार्क्स को प्रसिद्ध बनाए ऐसे कौन से तत्व हैं। तो हम कहेंगे मार्क्स की देन, तो अब आपको समझना है नेक्स्ट जो बता रहा हूँ कि वैसे अगर आप सोचना चाहें तो एक चीज़ ध्यान रखें कि धर्म के बारे में जो मार्क्स ने कहा है वो बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि धर्म तो एक तरह से ईश्वर के प्रति आस्था होती है, और ईश्वर के प्रति आस्था यानी व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है, और आत्मा का भोजन कौन होता है, ईश्वर, और ईश्वर कब प्राप्त होता है, जब धर्म का सही मार्ग होता है। तो यहाँ पे मार्क्स जो कह रहा है वो बिल्कुल तो सही नहीं है, क्योंकि धर्म व्यक्ति के अफीम का नहीं, एक विश्वास और नैतिकता का बोध कराती है, तो धर्म के बारे में ये विचार पूरी तरह से सही नहीं। दूसरा, राष्ट्रवाद के बारे में जो मार्क्स ने कहा है कि राष्ट्रवाद को उसने अस्वीकार किया, जबकि देश में सबसे पहले राष्ट्र होता है, सभी नागरिकों में, नागरिकों से पहले राष्ट्र की बात आती है, और राष्ट्रवाद जो शब्द है और जो भावना है वो अपने आप में सब बहुत बड़ी होती है, और राष्ट्र है वो किसी, राष्ट्रवाद की जो भावना है किसी देश को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो राष्ट्र तत्व ही अपने आप में एक शक्ति का परिचायक होता है, और वह सभी के हित के लिए काम करता है, सभी के लिए विकास का रास्ता भी दिखाता है। तो यहाँ पे थोड़ा हम कह सकते हैं कि अस्वीकार करना शोभनीय नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना मार्क्सवाद के कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, मार्क्सवादी कार्यक्रम। इसको हम देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि मार्क्सवादी होने के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, कोई भी मार्क्सवादी है तो उनके लिए क्या कार्यक्रम होंगे। तो तीन कार्यक्रम हैं जो आप ध्यान रखेंगे, मार्क्सवाद होते हुए उनके तीन कार्य हैं, यानी तीन उद्देश्य उनके लिए होते हैं। पहला है पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति, मार्क्सवादी अंति पहली कार्यक्रम की जो श्रेणी में पहली लिस्ट में रखते हैं वो है कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्रांति की जाए, उनके विरुद्ध क्रांति की जाए, समझ में आ रहा है। दूसरा मार्क्सवादी कार्यक्रम है सर्वहारा वर्ग के अधिनायक जो उस राज्य का एक प्रमुख व्यवस्था प्रदान करने वाला हो, अधिनायकवाद। तो ध्यान रखिए, कॉल मार्क्स कह रहा है कि मार्क्सवादी कार्यक्रम में दूसरा है कि जो सरोरा वर्ग है उसको उस राज्य में एक नायक के रूप में प्रस्तुत करना, यानी राज्य में पूंजीपति वर्ग है जो शोषण है उसको समाप्त करके
किसको अधिनायक बनाना है, सर्वहारा वर्ग यानी वे वर्ग जो कम हो रहे थे, अपना महत्व खो रहे थे, ठीक है ना, श्रमिक हैं जो शोषण हो रहे थे, उन श्रमिक और पूंजी को समाप्त करके, वर्ग को समाप्त करके एक ऐसा वर्ग बनाए जो सभी जगह समान हो, सर्वहारा हो, सभी जगह उस वर्ग की मामूल्यता हो और सभी को उस वर्ग, ऐसा वर्ग बने जहाँ पे शोषण समाप्त हो जाए, वो वर्ग कहलाया गया सर्वहारा वर्ग। तो उस वर्ग का अधिनायक वर्ग की स्थापना करवाना, दूसरा कार्यक्रम। तीसरा, राज्य वहीन, राज्य वहीन का मतलब एक ऐसी व्यवस्था करना जहाँ पे हम ये कहेंगे जहाँ पे राज्य की जरूरत नहीं है, राज्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स ने कहा है कि राज्य शोषण करता है, राज्य क्या करता है, शोषण करता है। राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना, नोट करते जाइएगा, ये तीन कार्यक्रम में बहुत ही मोस्ट है, कह सकते हैं टॉप मोस्ट है, पूछा जा सकता है कि कौन मार्क्स के तीन कार्यक्रम कौन से हैं, पूंजी है, पूंजीवादी व्यवस्था है, इसके विरुद्ध क्रांति को लेकर, सर्वहारा वर्ग है उसको अधिनायित्व बनाना, और तीसरा है राज्यवहीन और वर्गवहीन समाज की स्थापना करना, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें राज्य हो ही नहीं, राज्य जैसी व्यवस्था ही नहीं हो और वर्ग नहीं होगा, क्योंकि कॉल मार्क्स कहता है अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, तो वर्ग जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यानी एक ऐसा समाज बनाना जिसमें राज्य की भी जरूरत नहीं हो और वर्ग बिना वर्ग का समाज हो, वर्ग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, अमीर गरीब पूंजीपति श्रमिक ऐसे वर्ग नहीं होना चाहिए, ऐसे समाज की स्थापना करना। तो कॉल मार्क्स के अंतर्गत तीन कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। अब हम लास्ट में एंड देखेंगे कॉल मार्क्स की क्या देन है, ठीक है ना, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो ये जो बता रहा हूँ फटाफट नोट भी करते जाइए, कॉल मार्क्स की देन, वैसे आपको पता होगा कॉल मार्क्स के कुछ ऐसे विचार है जिसका विरोध भी हुआ है, लेकिन कॉल मार्क्स ने दूसरों से हटकर अपने विचार दिए और कुछ ऐसे विचार है जो व्यवहारिक में भी उपयोगी हैं, क्योंकि समाजवादियों के लिए ये एक देवता तुल्य हैं, तो पूंजीवादियों के लिए कॉल मार्क्स पिशाच की तरह हैं, क्योंकि एक पक्ष ने कॉल मार्क्स को देवता की तरह माना है, जैसे कॉल मार्क्स का जो मार्क्सवादी घोषणा पत्र है वो उनका बाइबिल कहलाता है, जबकि पूंजीवादियों के कॉल मार्क्स पिशाच की तरह, क्योंकि इनकी अधिकार को उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन मार्क्स की महानता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि संपूर्ण मानवीय इतिहास में ऐसा कोई विचारक नहीं हुआ जिनके विचारों ने मानव जाति के इतने बड़े क्षेत्र या वर्ग पर प्रभाव छोड़ा, अप्रमाणित हो, ठीक है ना, और सामाजिक जीवन में इतने गहरे दुर्गामी और आमूल परिवर्तन कर दिए जो जितने कि मार्क्स के विचारों ने किए हैं, इतना किसी ने लोगों को प्रभावित नहीं किया है, ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि मार्क्स ने क्या दिया है, मार्क्स ने क्या दिया है राजनीतिक संस्कृति को, समाज को। तो पहला पॉइंट है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन, तो ध्यान रखना कि समाजवाद की बात मार्क्स से पहले भी बहुत से विद्वानों ने समाजवाद के बारे में कहा है, लेकिन जिस तरह से जिस प्रकार के मार्क्स ने विचार दिए हैं, एक तरह से समाजवाद को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है, वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया है, और उनके ये व्यवहार व्यवहारिकता से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर बात करें प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मूर की यूटोपिया, तो यूटोपिया में जो समाजवाद के बारे में विचार है वो काल्पनिक है, इमेजिनेशन से भरे हैं, जबकि कॉल मार्क्स के जो विचार है वो काफ़ी हद तक व्यवहारिकता से रिलेटेड हैं, उनके ये विचार धरातलीय संबंध रखते हैं, और मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचार न होकर विधिवत रूप से एक व्यवहारिक दर्शन है, जिसमें विद्यमान विश्व की आर्थिक राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित प्रस्तुत कर एक व्यवहारिक दर्शन दिया है, समझ में आ गया। तो इस तरह से समाजवाद का वैज्ञानिक विवेचन अपने आप में एक बढ़िया विचार है। दूसरा, इतिहास की आर्थिक विज्ञा का सिद्धांत, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में,
मार्क्स ने इतिहास की जो व्याख्या की है वो आर्थिक संबंध में की है। मार्क्स ने कहा है इतिहास में अब तक जितने भी परिवर्तन, क्योंकि इतिहास क्या है, अतीत की घटना, तो अतीत में जो भी घटा है उसमें कहीं ना कहीं इतिहास के घटने का कारण मैन क्या है, आर्थिक तत्व, यानी आर्थिक अवस्था, आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक तत्व ऐसे हैं जो अतीत में परिवर्तन करने को मजबूर हो गए, यानी इतिहास बदला है उसके पीछे आर्थिक तत्व मौजूद हैं। तो ये बात तो काफ़ी हद तक सही है कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं जिनके पीछे आर्थिक तत्व मौजूद है, आर्थिक समस्या, आर्थिक पहलू, आर्थिक वस्तु, जिस वजह से इतिहास में घटनाएं हुई और परिवर्तन हुआ। तो बहुत हद तक, पूरे तौर पर तो नहीं मानेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक मार्क्स का ये सिद्धांत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतिहास में आर्थिक तत्व मायने रखता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या को अपूर्ण मानते हुए भी हमें स्वीकार करना होगा कि समस्त सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक तत्व के महत्व का प्रतिपादन करते हुए इसने सामाजिक अध्ययन को एक बहुत बड़ी सेवा के तौर पे, एक उपहार के तौर पे ये काम करके दिया है। तीसरा, मार्क्सवाद की देन के रूप में आर्थिक गतिविधियों का व्यापक अध्ययन। ध्यान रखेंगे, मार्क्स से पहले जितने भी विद्वान हुए हैं उसने आर्थिक तत्व पे इतना गौर से नहीं समझाया, इतना गौर से अपने अध्ययन पे शामिल नहीं किया जितना मार्क्स ने किया है। मार्क्स ने इतिहास या अपनी जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी परिस्थितियाँ उसने बताई, उसमें आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित रूप में दिया है। आर्थिक गतिविधियाँ जीवन के अन्य क्षेत्रों पर उसके प्रभाव का जैसा अध्ययन मार्क्स ने किया है वैसा अन्य किसी ने नहीं किया। मार्क्स पहला विचारक था जिसने व्यापार चक्र, अति उत्पादन, बेरोजगारी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जैसे विचार देकर समाज में एक आर्थिक तत्व की गहरी छाप छोड़ी, व्यापक अनुभव को सबल बनाया। तो ये कहीं ना कहीं मार्क्सवाद के द्वारा कॉल मार्क्स की देन को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। पूंजीवाद के संबंध में अंतर्दृष्टि। संबंध में अंतर्दृष्टि, यानी ये बात सही है कि मार्क्स ने ये व्यवस्थित रूप में काम किया है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं शोषण का एक कारण रही है। तो उसने पूंजीवादी यानी पूंजीशील व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था अवस्था को या एक वर्ग को छोसने पे मजबूर कर दिया और लोगों के बीच में एक अंतर्दृष्टि बना दी कि क्यों ये अलग है और क्या ऐसी व्यवस्था है जो पूंजीवादी व्यवस्था को दूसरों का शोषण करने के लिए मजबूर करती है। क्योंकि इसके अतिरिक्त यद्यपि हम समाजवाद की अवश्यंभाविता को स्वीकार नहीं करते तो हम जानते हैं कि पूंजीवादी का अंत समाजवाद निदान बिंद एक सामाजिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है, लेकिन यह मानना होगा कि पूंजीवादी के महत्वपूर्ण विकास को पहले से देख लेने में मार्क्स ने अंतर्दृष्टि को परिचय दिया, यानी कहीं ना कहीं विकास के पहलू को भी देखने में पूंजीवादी का जो विचार दिया है वो मायनेपूर्ण अंतर्दृष्टिपूर्ण है। नेक्स्ट है श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता की भावना। श्रमिक वर्ग वह वर्ग जो पूंजी, क्योंकि मार्क्स ने महत्वपूर्ण दो ही वर्ग बताए, पूंजीशील वर्ग और श्रमिक वर्ग, तो श्रमिक वर्ग में वर्गीय जनता, वर्ग के बीच जो जनता है यानी अलग अलग वर्ग वाली जनता, तो वर्गीय जो जनता है या फिर हम इसको कह सकते हैं वर्गीय चेतना। वर्गीय चेतना का मतलब जो जिस वर्ग में है उसको उसके वर्ग से प्रति सचेत कर दिया गया, अपडेट किया गया, सक्रिय किया गया उसको, उस वर्ग से प्रति उसे जानकारी दी और एकता का जन्म किया। तो मार्क्स ने जो वर्ग श्रमिक वर्ग था जिसका शोषण हो रहा था इनके लिए बहुत अच्छा काम किया, उस श्रमिक वर्ग को उसके वर्ग के प्रति चेतना उत्पन्न कर दी, कंसियसनेस चेतना उत्पन्न कर दी, सोचने को मजबूर कर दिया उसको कि आपके साथ क्या हो रहा है, और सभी श्रमिकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया और कहा कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, आपका कोई देश नहीं है। इस तरह से उसने उनमें एकता का भाव उत्पन्न कर दिया और शोषण को समाप्त करने का महत्वपूर्ण काम किया। तो बहुत हद तक ये इनके महत्वपूर्ण विचार और मार्क्स की ये देन है जो हम इनके इस महानतम कार्य को देख रहे और पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक और ये लेसन आज यहीं पर समाप्त होता है, और आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।